पेगासस स्पाइवेयर जासूसी के आरोप पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ 1984 के दंगों के मास्टरमाइंड हैं, इनको पेगासस के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, क्या वे इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? उन्होंने कहा ये वही कमलनाथ है जो भारत को बदनाम कर रहे थे। कमलनाथ कभी प्रमाण नहीं देते। क्या कमलनाथ पेगासस के यूजर और सप्लायर रहे हैं? कमलनाथ वही है जो लाशों पर राजनीति करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पेगासस जासूसी के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, निर्देशक निर्माता हैं या यूजर और सप्लायर हैं। इनके पास पेगासस की इतनी जानकारी कैसे है? 1984 दंगों के मास्टरमाइंड कमलनाथ अब तक भारत को बदनाम कर रहे थे और अचानक इनका राष्ट्र प्रेम कैसे सामने आ गया? ये वही कमलनाथ हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं, देश को बदनाम करते हैं। 1984 के दंगों का मास्टरमाइंड देश को बदनाम करने की कोशिश करें तो कौन सी बड़ी बात है? कमलनाथ ने तीसरी बार कहा कि वे मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। विचारणीय ये है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति आधारित राजनीति ही करती है। कांग्रेस में संगठन कहां बचा है? कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है। अच्छा, ये पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या कमलनाथ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रमाण एक भी नहीं दिया और बारीकियां इतनी बता दी। ये उसके यूजर रहे हैं, ये उसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सप्लायर हैं, क्या थे ये? इतनी जानकारी कैसे? ये वो शख्स हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे। ये वो शख्स हैं जो लाशों की गिनती लाखों से ऊपर मध्य प्रदेश में बताते हैं, अब कहते हैं कि टिकट होने देंगे जो लाशें गिन के लाएगा। ये वो शख्स हैं जो कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते थे, अब ये वही काम कर रहे हैं कि देश बदनाम कैसे हो। अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो भारत को बदनाम की बात करते थे। इनके बदलते हुए चेहरे हैं 84 के दंगों के मास्टर माइंड। अगर व्यक्ति कोई देश को बदनाम करने की कोशिश करे तो कौन सी अजीब बात है? अच्छा, एक बात बताओ, ये तीसरी बार कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अब खोजने वाली बात यह है कि इन्हें कांग्रेस में मध्य प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर कौन रहा है? ये शोध का विषय होना चाहिए और सोच का विषय होना चाहिए और ये चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी होना चाहिए कि इनको मजबूर कौन कर रहा है मध्य प्रदेश छोड़ने पर, जो बार बार कहना पड़ रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए वचनबद्ध है, सारी आशंकाएं निर्मूल साबित कर देंगे। प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.019% है जबकि रिकवरी रेट 78.6% है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। सरकार गर्भवती माताओं और प्रसूताओं को 20,00,000 टीके लगाने जा रही है। आपने आज देखा होगा, पढ़ा होगा वैक्सीन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कि हमारी जो प्रसूता माएँ हैं उनको 20,00,000 वैक्सीन लगाएंगे। अब स्वाभाविक रूप से जब किसी हम नए अभियान की तैयारी करते हैं तो ध्यान उधर की तरफ लगाते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।